हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज है 21 जून 2020 और आज मैं जो स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है न्यूलैंड लेबोरेटरीज। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के बारे में। मैं आपको इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर लेके चल रहा हूँ। जो न्यूलैंड लेबोरेटरीज है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यानी कि ये दवाई बनाती है। ये एक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। जो लोग नहीं जानते एपीआई क्या होता है उनको मैं बता देता हूँ। जो भी हम दवाई खाते हैं, जो भी ड्रग होता है, उसमें दो तरीके के कंपोनेंट होता है। पहला होता है एपीआई और दूसरा एक्सीपिएंट। तो जो एपीआई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी दवाई बनने में, और दवाई बनने में अक्सर ये कंपोनेंट यूज़ होता है। और ये कंपनी मेनली एपीआई ही मैन्युफैक्चर करती है, और ये जो कंपनी है ये एपीआई को एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया में भी सप्लाई करती है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है। एपीआई प्रोवाइडर यानी कि ये जो कंपनी है इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एपीआई ही पर ही है। ये कंपनी जो है न्यूलैंड लेबोरेटरीज ये 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी, और आप देख सकते हैं कि वेबसाइट भी काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब मैं टिकर टेप पे चलता हूँ और यहाँ पे हम इसकी प्राइस देखते हैं। अगर करंट प्राइस की बात करूँ तो ये है 458.85 रुपीस। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ टेक्निकल एनालिसिस की, तो टिकर टेप के हिसाब से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे कम पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। ये जो स्टॉक है ये स्मॉल कैप है, 588 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि जो स्टॉक है काफ़ी छोटी कंपनी से बिलोंग करता है। एंट्री पॉइंट की बात करूँ तो ये अच्छा टाइम है स्टॉक में एंटर होने का। टिकर टेप के हिसाब से किसी भी तरीके का रेड फ्लैग नहीं है, किसी एएसएम या डीएसएम लिस्ट में नहीं है। ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं। अगर मैं वन डे की बात करूँ तो स्टॉक ने 0.38% रिटर्न दिया है। वन वीक की बात करूँ तो स्टॉक ने 13.49% रिटर्न दिया है। अगर मैं वन मंथ की बात करूँ तो भी स्टॉक बस 12% ही अप है। अगर वन ईयर की बात करूं तो स्टॉक बस -12% पे है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो स्टॉक है इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गया था, इसके बावजूद भी स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो भी स्टॉक पॉजिटिव में है। और अगर मैं मैक्सिमम पे जाऊँ तो स्टॉक ने 60.84 रिटर्न दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कंपनी है ये जनवरी 2000 में लिस्ट हुई थी, तो कंपनी काफ़ी पुरानी है। कंपनी को काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस में, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब चलिए हम कुछ की मेट्रिक्स पे देख ध्यान देते हैं। अगर मैं पी रेशो की बात करूँ तो वो 36 का है, थोड़ा सा ज़्यादा है, पर अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कोई भी स्टॉक हमें सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। जब कंपनी इतनी अच्छी हो तो पी रेशो तो आपको अक्सर ज़्यादा मिलेगा ही। अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो ये काफ़ी बढ़िया है, 0.84। इसके अनुसार स्टॉक जो है काफ़ी सस्ता है वैल्यूएशन वाइज। यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है कि दिस कंपनी इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जो कंपनी है उसका मेन बिजनेस है एपीआई बनाना। ये एपीआई सप्लाई करती है बहुत सारी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, जैसे सन फार्मा हो गई, सिप्ला हो गई, औरोबिंदो फार्मा हो गई, ऐसी कंपनीज को ये एपीआई सप्लाई करती है। अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करूँ तो लास्ट 6 मंथ्स में जो होल्डिंग है वो एकदम स्टेबल रही है। म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो उनमें भी जो होल्डिंग है वो भी बहुत स्टेबल रही है। तो ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए अब हम चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जैसा कि हम अभी देख सकते हैं अभी प्राइस है इसका 458.85। ये फ्राइडे 19 जून 2020 की क्लोजिंग प्राइस आ रही है। अगर मैं वन वीक का चार्ट लगाता हूँ उसमें देखता हूँ तो स्टॉक जो है काफ़ी समय से गिरता जा रहा है। इसने अपना हाई जो है 2017 में बनाया था मार्च में, करीबन 1500 के आसपास का हाई है। इसके बाद से जो स्टॉक गिरता जा रहा है इसकी वैल्यू जस्ट हाफ हो गई। और अभी जब मार्च में कोरोना वायरस की वजह से मार्केट गिरा था
तो इसने अपना एक लो बनाया था 256 के लेवल पे। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो विजय केडिया है, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट नोन इन्वेस्टर्स हैं, जो कि काफ़ी जाने माने इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इसमें 2019 में सितंबर के महीने में होल्डिंग ली थी इस कंपनी में, जो कि 490 के प्राइस के आसपास उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई थी। तो जब विजय केडिया जैसा आदमी इस स्टॉक में पोजीशन ले रहा है, तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि जो शेयर है उसमें दम है, जो कंपनी है उसमें दम है, इसी वजह से उन्होंने इसमें होल्डिंग ली होगी। चलिए अब हम वापस वन डे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं इस स्टॉक के बारे में। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा। देखिए ये जो रेड लाइन है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज यानी कि जो 200 कैंडल्स बनी है उसका एवरेज जो भी प्राइस है उसको ये दर्शा रहा है। और ये जो ब्लू लाइन है, ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। 50 डेज़ का यानी कि जो भी 50 कैंडल्स हैं पिछली, उन 50 कैंडल्स का एवरेज प्राइस ये मूविंग एवरेज हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब भी ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, जब भी इनको ब्रेकआउट मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसको शेयर प्राइस तोड़ चुका है। तो ये मूविंग एवरेज ब्रेकआउट है यहाँ पर। और अगर मैं वॉल्यूम देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब शेयर ने ब्रेकआउट दिया 200 दिन के मूविंग एवरेज को, तो जो वॉल्यूम थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अगर मैं बात करूँ 50 डेज़ के मूविंग एवरेज की, तो ये भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है इसको ब्रेकआउट देने के लिए, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है अगर मैं देखूँ। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर पे, जो है बोलिंजर बैंड। अगर मैं बोलिंजर बैंड की बात करूँ, तो बोलिंजर बैंड में बीच में ये 20 डेज का मूविंग एवरेज होता है। ये मूविंग एवरेज सिंपल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। अगर मैं बोलिंजर बैंड के हिसाब से देखूँ, तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड की जो रेंज है, ये जो नीचे का बैंड है और ये जो ऊपर का बैंड है, ये स्टॉक की रेंज बताते हैं। 80 to 90% ऑफ द टाइम स्टॉक जो है वो इसी रेंज से अंदर ट्रेड करता है। लेकिन जब स्टॉक रेंज को इस तरीके से तोड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ने इस रेंज को तोड़ा है, तो जब जब ऐसा होता है तो चांसेस बनते हैं कि शेयर का प्राइस जो है ऊपर जाए। यहाँ पे स्टॉक ने 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे जो बोलिंजर बैंड है इसको भी ब्रेकआउट दिया। तो ये दो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। और जब मैंने आपको वॉल्यूम्स भी दिखाई थी, तो जो वॉल्यूम्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर मैं वॉल्यूम कैंडल लगाऊं तो उससे भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट आया है। तो ये जो है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और कंपनी फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया है। जब विजय केडिया जैसे इन्वेस्टर इसमें अपनी होल्डिंग बना रहे हैं, हिस्सेदारी बना रहे हैं, तो वाकई कंपनी में तो दम होगा, इसी वजह से उन्होंने इसमें होल्डिंग ली होगी। चलिए ये बात हो गई टेक्निकल एनालिसिस की। अभी जब हमने देखा यहाँ पे कि जब ये स्टॉक जो है इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं हिकन ऐशी की बात करूँ, जो कि एक चार्टिंग है कैंडल स्टिक की ही तरह, जैपनीज चार्टिंग टाइप है, तो यहाँ पे भी जो शेयर है उसका प्राइस ऊपर की ही तरफ जा रहा है। ये जो हिकन ऐशी चार्टिंग है, ये ट्रेंड को दिखाती है। जितने ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स होंगे, जितने ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स हमें बनते हुए दिखेंगे, उतना ही ज़्यादा ट्रेंड स्ट्रांग होगा। और यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल्स को बनते हुए देख रहे हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। ये सब हमें यही दर्शाता है कि जो स्टॉक है ये ऊपर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको कॉल देने जा रहा हूँ, ये एक इंट्राडे कॉल है, माफ़ कीजिएगा इंट्राडे नहीं, ये एक पोजिशनल कॉल है। आप कृपया करके इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, ऐसी मेरी सलाह होगी। तो दोस्तों अभी जैसा आप देख सकते हैं कि जो इसका करंट प्राइस है ये 458 रुपीज़ के आसपास है। तो मैं जो आपको कॉल देने जा रहा हूँ उसमें आप करंट प्राइस पे इसको ख़रीद सकते हैं, जो कि 460 है। जो आपका स्टॉप लॉस है वो 425 रुपीज़ होना चाहिए, 425 रुपीज़।
मतलब ये जो जो आपको रेड लाइन दिख रही है इसके जस्ट नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए, और जो आपके टारगेट्स होंगे इस स्टॉक में वो आपके 550 के आसपास होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ नज़रिए की, तो आपको इसमें 1 से 3 महीने तक का नज़रिया लेके चलना चाहिए। 1 से 3 महीने के समय में आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस स्टॉक की खास बात यह है कि इसमें अभी रिस्क कम है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और जो टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको अभी इंडिकेटर्स बताए उसके हिसाब से भी जो स्टॉक है वो ऊपर की दिशा ही दिखा रहा है, ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम ऐसा मानते हैं कि ये जो स्टॉक है ये ऊपर जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।